दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है आयुष्मान योजना की, उसमें बहुत से नाम ऐसे हैं जिनकी आय बहुत ज्यादा कम है, यानी कि जिनकी आय लगभग 50,000 या 75,000 रुपए है, उनका भी नाम जो है लिस्ट में नहीं आया है। और हरियाणा सरकार की पात्रता के अनुसार जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनका नाम लिस्ट में होना जरूरी है। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनकी जो सालाना आय है वो 1,80,000 रुपए से बहुत ज्यादा कम, यानी कि 50,000 1,00,000 के आसपास है, उनके भी नाम यहाँ लिस्ट में जारी नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, मैं आपके सामने यहाँ पे एक न्यूज की कटिंग पेश कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं जिनका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लिस्ट में जारी होती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिस्ट है उसके बारे में कहा गया है कि आने वाले समय में भी इस प्रकार से लिस्ट जो है वो जारी होती रहेगी, क्योंकि समय के आधार पर जो फाइनेंशियल हालात हैं, जो आर्थिक हालात हैं, वो परिवार के बदलते रहते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन परिवारों को डेटा उठाया गया है जिनकी आय सालाना 1,80,000 रुपए से कम है। बड़ी समस्या ये आ रही है कि कई परिवार ऐसे हैं जिनकी आय तो 1,80,000 से कम है, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं है। विभाग लगातार 1,80,000 रुपए आय वाले परिवारों का डाटा उठा रहा है, इससे आगे भी लिस्टें जारी होती रहेंगी। आयुष्मान कार्ड की आईटी मैनेजर विजेंद्र चहल का कहना है कि जिन परिवारों की आय सालाना 1,80,000 रुपए है या उससे कम है, उनके निश्चित तौर पर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, ये अभियान लगातार जारी रहेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ तौर पे जो विजेंद्र चहल हैं उनके द्वारा कहा गया है, जो मैनेजर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि आय जिनकी 1,80,000 रुपए से कम है, तो यहाँ पे साफ साफ कहा गया है जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनके निश्चित यानी कि जो जरूर उनके जो आयुष्मान कार्ड हैं वो बना दिए जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है उनके जो आयुष्मान कार्ड है वो निश्चित ही बनाए जाएंगे। तो आपको अभी इंतजार कर लेना है, जैसे ही दूसरी लिस्ट यहाँ पे जारी होती है तो आपको वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। तो दोस्तों ऐसे परिवार जिनका नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया है और वो परेशान है, जबकि आय भी 1,80,000 रुपए से कम है, लेकिन उनको इस सुविधा के अंतर्गत लिस्ट में नाम जारी नहीं किया गया है, तो ऐसे परिवारों का नाम भी आने वाली लिस्ट में बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जिंदर चहल जो हैं उनके द्वारा कहा गया है जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, उनके निश्चित आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, यानी कि जो कार्ड हैं वो निश्चित बनाए जाएंगे, ऐसा उनको थोड़ा बहुत समय आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्तों आपको इंतजार कर लेना है, देखते हैं कब दूसरी लिस्ट जारी होती है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि जब भी लिस्ट जारी हो तो आपको वीडियो सबसे पहले मिले और आप अपना नाम लिस्ट में देख पाएं। तो दोस्तों इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।